हाय, मैं विपिन वैभव, इंग्लिश कोर्स बेसिक में आप सबों का स्वागत करता हूँ। लेक्चर 6 में आज हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का जो लोप होता है उसके बारे में हम जान सकेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे आपका ये प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या होता है। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, किसी भी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल नाउन में कैसे बदलते हैं इसके नियम बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस तो आप 1 लेक्चर से लेकर 5 लेक्चर तक अवश्य देखें। यहाँ पर हम काउंटेबल नाउन की बात करें, काउंटेबल नाउन वो होता है हमारा जिसको हम गिनती कर सकते हैं और काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, काउंटेबल होता है। प्लूरल क्या होता है, प्लूरल वो होता है जो आपका दो या दो से अधिक जो होता है वो आपका प्लूरल होता है नाउन, है ना। सिंगुलर जो सिर्फ और सिर्फ एक है वो आपका सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर दिया है प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले अ और एन कभी नहीं लगता है। जहाँ तक द का सवाल है, आप यह जान लें कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में किया जाए तो उसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा। यदि प्लूरल नाउन से निश्चित व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो तो द का प्रयोग अवश्य होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जहाँ पर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि अधिक संख्या में आपका काउंटेबल नाउन है, वहाँ पर आप किसी भी परिस्थिति में इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे अ और एन। अब द का यूज़ हम कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, द हम तभी यूज़ करेंगे जब वो किसी निश्चित या खास व्यक्ति का बोध कराता हो, तब हम द का यूज़ करेंगे। हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, बच्चे निर्दोष होते हैं। यहाँ सिर्फ बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चे लोग जो होते हैं वो निर्दोष होते हैं, किसी खास बच्चे को नहीं कहा जा रहा है। चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, यहाँ सामान्य रूप से ना कि किसी बल डाला जा रहा है ना किसी खास बच्चे को कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। बच्चे निर्दोष हैं, यहाँ देखिए बल डाला जा रहा है किसी खास बच्चे को कहा जा रहा है, बच्चे निर्दोष हैं, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे द चिल्ड्रेन आर इनोसेंट, निश्चित या खास बच्चे। इस जगह के बच्चे अच्छे हैं, यहाँ पर भी किसी खास निश्चित को कहा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर द का यूज होगा, द चिल्ड्रेन ऑफ दिस प्लेस आर गुड। क्लियर है? अब अनकाउंटेबल नाउन मैटेरियल एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें, हमने इसे पहले देखा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में अगर सामान्य स्थिति में है तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे, अगर खास है निश्चित है तब वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। कहाँ पर? काउंटेबल सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहाँ हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, वो भी प्रॉपर नाउन के साथ हम सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम अच्छा लड़का है, राम इज़ अ गुड बॉय, अ या द राम के पहले हम नहीं लगा सकते हैं, ये गलत होगा। दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट, मिल्क मटेरियल नाउन है अतः सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ आपका ऑनेस्टी एक भाव वाला है, ईमानदारी को बता रहे हैं, यहाँ पर भी हम ऑनेस्टी के पहले द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ होंगी जहाँ पर हम द का यूज करेंगे, तो आइए यहाँ देखते हैं। परंतु जब इनको निश्चित बनाने के लिए
इनके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन रहे तो इनके पहले द का प्रयोग होगा, जैसा कि नीचे दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट है। अब हमने आपको अभी यहाँ बताया पिछली स्लाइड में कि हम अनकाउंटेबल नाउन जो है प्रॉपर नाउन के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ना होगा। लेकिन जब सेम स्थिति में उसमें प्रीपोजिशन को ऐड किया जाएगा तब आपको द लगाना है और लगाना पड़ेगा। रामायण के राम एक आदर्श मानव हैं, पहले हम सभी को पढ़ लेते हैं। द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल मैन। कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत का सोना अच्छा होता है। द गोल्ड ऑफ इंडिया इज गोल्ड गुड। और प्रयुक्त वाक्यों में ये सारे जो हमने तीन वाक्य पढ़ा, राम, राम के बाद ऑफ क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन है। शेक्सपियर के बाद ऑफ क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। गोल्ड के बाद आपका ऑफ क्या है, ये भी आपका प्रीपोजिशन है। तो ये आपको कॉन्टवल की स्थिति में ला रहा है, ठीक है। और ये कॉन्टवल कहा जा सकता है, और साथ साथ ये विस्तार भी हो गए आते हैं। ऐसे वाक्यों में नाउन की पहले हम द का प्रयोग करेंगे, क्लियर है। जहाँ भी आपका नाउन के साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो वहाँ पर हम वो काउंटेबल नाउन की तरह हो जाएगा और वहाँ पर हम द का यूज करेंगे। वंस अगेन, एक गरीब आदमी, यहाँ देखिए, एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेह आत्मक होती, द ऑनेस्टी। अभी पिछले स्लाइड में हमने द का ऑनेस्ट के पहले हमने द का यूज नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, वहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं था और ख़ास तौर पे नहीं कहा जा रहा था। द ऑनेस्टी ऑफ अ पुअर मैन इज डाउटफुल, क्लियर है। अब बीमारियाँ, जितनी भी बीमारियाँ हैं, पर्वों, ऋतुओं, सप्ताह के दिनों, महीनों, दर्ब पदार्थ, भोजन, खेल कूद, भाषाओं के नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप ध्यान में रखेंगे, वर्ल्ड में कोई भी बीमारियां हो, कोई भी पर्व हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी आपका फूड हो, कोई भी आपका गेम्स हो, उसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। हिंदी एक धनी भाषा है, हिंदी इज अ रिच लैंग्वेज। कोलरा हैजा होता है, एक खतरनाक बीमारी है। कोलरा इज अ डेंजरस डिसीज। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। होली हिंदुओं का धार्मिक पर्व है, होली इज अ सेक्रेड फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। जनवरी साल का पहला महीना है, जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे। तो क्लियर है, आप ये ध्यान में रखेंगे, इतने सारे जो आपके फेस्टिवल, डिजीज जो भी है, इसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि वो सिंगुलर नहीं होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सिंगुलर से हम प्लूरल बनाते हैं। तो कुछ ऐसे सिंगुलर्स नाउन हैं जो हमेशा कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, ग्लासेज जो कि आईना होता है, जिसको ऐनक कहते हैं, शॉर्ट्स, निकर, आप उसको ये अंडरवियर, जंघिया कह सकते हैं, सीजर्स, कैंची, पैंट्स, जान रहे पैंट, ट्वीजर्स, ये आपका चिमटा होता है, दो होता है, और बाइनोकुलर्स, दूरबीन, ये सारे के सारे आपका क्या होता है, ऑलरेडी ये आपका प्लूरल में होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप द आर्टिकल को जो है क्लियर कर लें, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। स्रोत से अंत तक आप वन लेक्चर से लेकर फाइव लेक्चर तक आप इसको देख लें। हम लोग इन द कमिंग लेक्चर वी विल लर्न टाइप ऑफ नाउन।
नाउन को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विथ अस. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ऑल्सो कमेंट. वंस अगेन थैंक्स.